नमस्कार, भोलाराज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अभी हम हजारीबाग की एकदम फेमस जगह पर आपको लाए हैं और ये है कन्हरी हिल। और वहाँ से हजारीबाग का जो सीन होता है बिल्कुल अलग होता है। चलिए हम ऊपर आपको चढ़ते हैं और ऊपर चढ़कर आपको वहाँ से आपको व्यू बताते हैं। ये इस प्रकार से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इतिहासकार बताते हैं कि ये सीढ़ियाँ अंग्रेजों के समय में बनाई गई है, फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा इसकी कोई देखरेख, कोई मरम्मती का कार्य नहीं किया गया है। हालांकि इसके चारों ओर का व्यू जो है बहुत ही अत्यंत प्यारा है। अच्छी खासी ट्रैकिंग हो जा रही है। ऐसे ही पत्थरों से होते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हम लोग। जो मुख्य पाथ है उसको छोड़कर शॉर्टकट से निकल रहे हैं, तो थोड़ा रिक्शी है, इस टाइप का स्टीप ढलान है। आप यहाँ आएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग भी गलत ट्रैक में आ चुके हैं। हाईली ट्रैकिंग करते हुए हम लोग चल रहे हैं और संभल संभल के चलना हो रहा है। इस तरह की खड़ी चढ़ाई है और यहाँ से निकलना है, इसलिए हम लोग को कैमरा कुछ देर के लिए बंद करना होगा। अब हम लोग ट्रैक पर वापस आ चुके हैं। सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी और हम लोग को चढ़ना है ये हाइट पर। ये हजारीबाग का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ जो भी विकास अब तक हुआ है ये अंग्रेजों के समय का हुआ है और कामाख्या नारायण सिंह जो राजा इस क्षेत्र के थे उनके द्वारा किया गया है। बाद में अभी कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। पूरी हरी भरी वादियाँ चारों ओर देखने को मिलती हैं। इसके दूसरी ओर पर एक BSNL का टावर है, उसके बगल में एक खूबसूरत सा गेस्ट हाउस जहाँ अंग्रेज समय के वीआईपी लोग ठहरते थे। अभी हम लोग कन्हरी हिल के सबसे ऊंचाई वाला स्थान पर हैं और देख सकते हैं चारों लोग फोटो लेने के लिए बेताब हैं। हालांकि इसके चारों ओर की रेलिंग बिल्कुल टूट चुकी है, जो एक चिंताजनक बात है। और ये इसके पीछे का व्यू और बगल से ये गुजरता हुआ यह NH-33 बाईपास जो हजारीबाग को बाईपास करता है निकलता है, और इसके दूसरी तरफ आप हजारीबाग को देख सकते हैं। बहुत प्यारा सा व्यू आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा ये, और उधर हजारीबाग का व्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी हम लोग इसी के ऊपर में थे। ये अंग्रेज समय का बनाया हुआ पूरा आपको दिखाई देगा और यहाँ से जो चारों ओर का दृश्य है बहुत ही प्यारा है, एक सुकून देने वाला है और वीकेंड में परिवार के साथ घूमने वाला है। हालांकि छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पे थोड़ा परेशानी है, क्योंकि यहां साइड में कोई गार्डवाल नहीं दिया गया है, सरकार द्वारा इसकी देखरेख नहीं की जाती है। बहुत बड़े बड़े चट्टाने और इस टाइप का स्टीप ढलान। चढ़ते समय हम लोग कई शॉर्टकट्स यूज किए थे, अब उतरते समय हम लोग नो शॉर्टकट सीधा चल रहे हैं और ऐसी सीढ़ियों की मदद से हम लोग नीचे उतर रहे हैं। जाते समय हम लोग कई शॉर्टकट्स यूज किए और कम समय में पहुंच गए थे। हालांकि स्टीप चढ़ाई थी। कन्हरी हिल युवाओं के दिलों पर राज करने वाला स्थान है, इसीलिए यहाँ अधिकांश युवा युवती आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे, और जो नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।